इस कंटिन्यू स्पीड में चलाने के बाद मेरा माइलेज क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो कि मुझे 34 km/h का माइलेज मिल रहा है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डोमिनार पे अच्छा माइलेज किस तरीके से ले। एक नया ट्रिक जो मैंने ट्राई किया था और मुझे काफ़ी अच्छा माइलेज मिला था, आप देख सकते हो। तो सिटी के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ऑफकोर्स लग जब आप हाईवे पे चलाते हो तो हाईवे की मस्ती में और स्पीड में आपको ये चीज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन जब आप सिटी में चलाते हो तो आपके लिए माइलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैंने एक नया ट्रिक निकाला था और जिसके हिसाब से मुझे कुछ अच्छा, बहुत अच्छा माइलेज मिला था 34 km/h का। फिर लाइक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी मुझे काफ़ी अच्छा माइलेज मिला, तो मैं आपको ये ट्रिक बताना चाहूँगा इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चीज़ से कि अच्छा माइलेज किस तरीके से मिलता है। तो मेरा ट्रिक कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल है, मे बी आप भी मुझसे अच्छा माइलेज ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायनेमिक फ्यूल कंजप्शन वाला ऑप्शन ऑन कर देता हूँ। अब जब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर मैं ये स्पीड पे कंटिन्यू राइड करूँ तो 42 के आसपास का माइलेज मिलेगा। सो, आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जब आपको सिटी में बाइक चलाना है तो कौन से गियर पे कितने स्पीड पे रखी जाए तो आपको अच्छा माइलेज मिल सकता है, वो आपका डायनामिक फ्यूल कंजप्शन ऑलरेडी बता देता है। तो लाइक जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑफकोर्स ये चीज़ बहुत सही नहीं है कि आप 6th गियर पे इतने स्लो स्पीड में बाइक चला रहे हो, लेकिन अगर आप एवरेज के हिसाब से देखो तो जैसे यहाँ पे 50 और इतना आ रहा, इतना तो शायद से नहीं मिलेगा डोमिनार में ऑफकोर्स। बट अगर आप ट्रैफिक में देख रहे हो, मेरा स्पीड ज़्यादा नहीं है, सिटी में 30+ का माइलेज आप इजीली ले सकते हो। आपको सिर्फ जो है वो स्पीड 30 के आसपास रखना है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सही है। और सिटी में 30 का स्पीड रखना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। बस आपको गियर्स को और अपने स्पीड को मैनेज करते हुए चलना है। तो लाइक यहाँ पे आपको 42 का दिख रहा है, एटलीस्ट 35 का भी अगर आपको सिटी में मिल गया तो आपके लिए मोर देन इनफ है। हाँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जहाँ पे आपका स्पीड एकदम से कम हो जाएगा वहाँ पे माइलेज थोड़ा डाउन हो सकता है। अगर आप ये देख सकते हो तो मैं 5th गियर पे हूँ, 5th गियर पे अगेन मुझे माइलेज अच्छा मिल रहा है। तो आपको सिर्फ अपने बाइक को स्टडी करना है। जैसे अगर मैं यही चीज़ 4th गियर में करूँ तो देखो माइलेज गिर जाएगा, दिख रहा है। और वही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे 3rd गियर में करूँ तो माइलेज एकदम से गिर जाएगा। ठीक, तो आपको एकदम राइट स्पीड पे चलना है और राइट गियर पे आप अपना डायनेमिक फ्यूल कंजप्शन देख सकते हो और इसके हिसाब से आप अपना स्पीड डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने स्पीड पे चलना है। और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अच्छा माइलेज लेने में डोमिनार के अंदर। वैसे जब आपको ज़्यादा स्पीड में चलाना है तभी आप स्पीड से रिगार्डिंग या फिर माइलेज से रिगार्डिंग ज़्यादा चीज़ें नहीं देख सकते। ऑफकोर्स डोमिनार इज़ नॉट अ माइलेज बाइक, इट्स अ पावरफुल बाइक। तो अगेन आप अपना ये जो फ्यूल, डायनामिक फ्यूल कंजप्शन है उसको स्टडी करके बाइक चला सकते हो और आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और मोर टिप्स के लिए और फ्यूचर राइड्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, बी सेफ एंड ऑलवेज वियर योर हेलमेट।